हेलो दोस्तों, मैं पंकज चौधरी वेटिनर सबसे। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी की एग्जाम में आने वाली हिंदी के टॉपिक हिंदी, जिसमें 20 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिलेगी। इसमें हिंदी का टॉपिक है अपना संधि। अब अपन पूरी संधि नहीं पढ़ के यहाँ पे सिर्फ हिंदी के ट्रिक वाइज संधि पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रिक्स के द्वारा हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द में कौन सी संधि होगी। अपन यहाँ पे एक घंटे की संधि ना पढ़ के सिर्फ 5 से 10 मिनट की संधि में अपन देख लेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि होगी। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें प्लीज। और संधि शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बात कर रहा हूं संधि की। संधि में क्या होता है कि जिसमें दो वर्ण मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या होती है? संधि होती है। अब मैं बात करूं, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ठीक है। और अपनी विसर्ग संधि होती है और एक व्यंजन संधि होती है। तो ये स्वर संधि के टाइप थे 5, इनमें से हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम इनके सारों को ट्रिक वाइज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, ज्यादा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संधि समझना आसान बात नहीं है। नेक्स्ट अपना स्वर संधि, जो कि स्वर और स्वर में मेल होके बनता हो। कोई भी संधि जिसमें स्वर और स्वर का मेल हो रहा हो, दो स्वर संधि होगी। अब बात कर रहे हैं यण संधि की। बात कर रहे हैं स्वर संधि का, सबसे पहला टाइप है यण संधि। यण संधि में मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक लगती है कि यह व रे, यह और व और रे से पहले अगर आपको कोई भी आधा वर्ण दिख जाए तो वो उसमें क्या होगी? यण संधि होगी। बस इतना सा ध्यान रख लो, यण में यह से शुरू होता है तो यह से ही शब्द शुरू होगा, यह व रे, ठीक है। यह वह जैसे पहले आधा शब्द दिख जाए आपको, जैसे मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर प्रत्येक, यह से पहले आधा तय है स्वागत, वैसे पहले आधा से है। अपने को यह देखना कहां पे है? जहां पे संधि विच्छेद हो रही है। प्रत्येक में यहां पे संधि विच्छेद होगा, स्वागत में यहीं पे हो जाएगा सुधन आगत, ठीक है। पितृनुमति, अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें तो आर से पहले कोई आधा शब्द नहीं है, पर इसमें है। जहां पे भी आपको त्रय मिल जाए तो त्रय शब्द का आपको अगर आपने पढ़ा हो तो त्रय शब्द में क्या होता है कि त्रय शब्द किससे मिलकर बना होता है? आधे त्रय और रह से मिलकर बना होता है, ये क्या हो गया? त्रय हो गया। तो इसमें त्रय में आधा त्रय है ना, किससे पहले है? रह से पहले। त्रय ही एक अपने आप में रह से पहले आधा त्रय है, तो ठीक है। तीनों में देख लिया आपने, यह और वह और रह से पहले आधा शब्द। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अयादि संधि की। बात करें अयादि संधि में क्या ट्रिक लगेगी, अयादि संधि में हमें जिस भी शब्द में ए ए छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ छोटा बड़ा ओ ये नहीं देखने को मिलेंगे। जिस शब्द में जैसे बिल्कुल कोई भी मात्रा नहीं है ऊपर वाली, उस शब्द में अयादि संधि हो सकती है। उसमें एक को इसके साथ एक और ट्रिक लगा दोगे तो अयादि संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं, ये नहीं होने के बाद अगर आप उसमें ए जहां पे संधि हो रही है, मतलब संधि जहां एक दो वर्ड एक वर्ड मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं संधि हुई होती है, तो उस वर्ड में जहां पे संधि हो रही है वहां पे ए और ये मिल जाए आपको देखने को, आधा ए और ये, और आय मिल जाए देखने को, औ मिल जाए और आव मिल जाए देखने को। तो समझ जाना कि ये इसमें ना तो मात्रा है और ए आय औ आव हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या होगी? अयादि संधि होगी। अयादि से मतलब यहीं से समझ लेना, ए ये अया ए अया और औ और आव, ठीक है, ये यहां से याद कर लेना। तो इसमें उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपन, नयन यहाँ पे संधि हो रही है, नयन में न और य यहाँ पे संधि हो रही है, तो ए और य न का ए और ये है नयन। अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा था कि य से पहले आधा शब्द नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है तो क्या ये हो गया? ये यण तो होगी नहीं। अयादि इस पे ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो देखो अयादि पे जाओ, अयादि पे फिर अपन ने क्या देखा था? आई मिल रहा है, ए मिल रहा है, इसमें भी कोई ऊपर वो नहीं है, नायक, नायक में ऊपर कोई मात्रा नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर जाओ अपन ए आई आओ आओ में जाओ, तो आय दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
पवन में भी कोई ऊपर मात्रा नहीं है और पावन में भी ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें आव देखने को मिल रहा है, इसमें आव देखने को मिल रहा है। तो अब अयादि संधि होती है। और एक अयादि संधि का एक और है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उनमें से करीब करीब 90% एग्जाम्पल क्या होते हैं, तीन शब्दों के ही बने होते हैं। जैसे ए नय, तीन शब्द, नायक, पवन, पावन, ये तीन शब्दों के ही मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अपनी गुण संधि की, बात करता हूं। गुण संधि में क्या देखने को मिलेगा हमें, गुण संधि में छोटा ए और छोटा ओ और अर देखने को मिलेगा। जैसे जहां भी अपने वो किसी भी शब्द के ऊपर ए और ओ, कौन सा, सिर्फ एक मात्रा वाला, ये मिल एक मात्रा वाला ए और एक मात्रा वाला ओ देखने को मिल जाए, या अर मिल जाए, अर मतलब ऐसा वाला, उस पे रे मिल जाए किसी शब्द पे, तो ध्यान रखना गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे सुरेंद्र की बात करूं मैं, तो सुरेंद्र में क्या है और कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे अपनी संधि हो रही है, इस वर्ण की संधि कहां पे हुई हुई है, सुर, धन, इंद्र, यहां पे हुई है ना, यहां पे देखो इस पे रे पे ऊपर ए, यहां पे इसका पर धन उपकार, यहां पे हो रखी है इसकी संधि। संधि में मतलब क्या होता है यहां पे, कि आप उसका अगर इस किसी वर्ड का विच्छेद कर रहे हो, संधि विच्छेद मतलब शब्द को तोड़ना, अगर शब्द को तोड़ रहे हो तो उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, अगर बिना अर्थ के आप तोड़ रहे हो तो मतलब वो संधि विच्छेद नहीं होगी उसकी। जैसे मैं इसको परो परोपकार को तोड़ू, मैं इसको ऐसे ही तोड़ दूं, परोप धन का, इसमें ये कोई संधि नहीं होती, ये तो वैसे कि वैसे वक्ता अपने संधि में क्या पढ़ा था, संधि वो होती है जिसमें दो अंग मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो ये तो वैसे कि वैसा है, परोपकार वैसा कैसा हो गया, तो ये संधि नहीं कहलाती, ये संयोग कहलाता है, मतलब जोड़ कहला रहा है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख, तो अपने को जो ये मात्राएं हैं ये कहां देखनी है, जहां पे उस शब्द की संधि हुई है। जैसे मैं महर्षि की बात कर रहा हूं, तो इसकी संधि मह के बाद में हुई है, तो सह पे हमें रह देखने मिल रहा है, तो ये लाल लाल ये रह है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें गुण संधि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपनी दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं अपन, दीर्घ संधि की बात करूं तो हमें दीर्घ संधि क्या होती है, सबसे पहले इसमें हमें जो स्वर, जो सेम स्वर होते हैं, आपको पता है स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, स्वर तो ए आई ई उ और व्यंजन क्या 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 होते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि में क्या है, स्वर, जो स्वर भी कौन से, सेम स्वर, जैसे पहला स्वर ए है तो इसके बाद में या तो ए आएगा या आ आएगा, ठीक है, ये सेम स्वर मिलके बड़ी मात्रा बना रहे हैं अपनी, जैसे उ उ मिलके बड़ा उ, ई मिलके छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई ई मिलके बड़ी ई, ऐसे ए आ उ और ई ई मिलके बड़ी मात्रा बनाए। कौन सी मात्रा, ये छोड़ के बड़ी ए वाली और बड़े ओ वाली, ऊपर वाली मात्रा छोड़ के, मतलब ए आ वाली उ वाली ई वाली मात्राएं बनाए, उसमें क्या होगी, दीर्घ होगी, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो यहां से समझ लेना दीर्घ संधि में क्या होता है, हमें बड़ी मात्रा देखने को मिलती है कहां पे, जहां पे बीच में से संधि हुई है, पंचायत में पंच धन आयत, यहां पे बड़ी मात्रा मिल रही है अपने को, ठीक है, नयन अभिराम, नयन धन अभिराम, ए बड़ी मात्रा बन रही है, ए और ए मिलके रविंद्र, छोटी ई मिलके और बड़ी ई मिलके बड़ी ई की मात्रा मिल रही है, यहाँ पे भानुदेव में बड़ी ऊ की मात्रा मिल रही है। नेक्स्ट बात करें अपन वर्दी संधि, होगी स्वर संधि का ही पांचवा टाइप है। वर्दी संधि में क्या होगा, हमें जैसे हमने देखा था गुण संधि में कि छोटा ए छोटा ओ और अ देखने को मिला था, तो वहीं अगर बड़ा ए और बड़ा ओ देखने को मिल जाए तो वो वर्दी संधि होगी, जैसे एकक और वनौषधि, ठीक है। नेक्स्ट अपनी विसर्ग संधि, क्या है अपनी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में ये क्या होता है, ये विसर्ग है, जैसे जहां पे भी शब्द क्या ये लगा होता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है। अब विसर्ग संधि में एक सबसे क्या है, तीन चीजें हैं, अगर आधा से आधा ये वाला से और ये वाला से, समझ में आ रहा है, मतलब
ये पूरा से हो गया हलंत लग गया, आधा से हो गया, ये पूरा से हो गया हलंत लग गया, आधा से हो गया, ये पूरा से हो गया आधा, इस पे हलंत लग गया, आधा से हो गया, मतलब ये वाला आधा से, ये वाला आधा से, तो ये वाला आधा से, ठीक है। तो इन सब इन आधे से जहां भी मिल जाए, जहां पे उसकी संधि हुई है, नमस्ते की संधि कहां पे हुई है, कहां पे हुई है? अब यहां पे तो हुई नहीं कि न धनमस्ते, इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब निकल रहा है नम धन ते। अब ये से कहां चला गया, ये से ये है विसर्ग, जहां मतलब ये इनकी संधि होगी तो विसर्ग क्या हो जाएगा यहां पे, से में बदल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। जहां पे भी आधा से, ये वाला से, ये वाला से और ये वाला, जहां पे संधि हुई है वहां पे ये से, ये से, ये से मिल गए आपको, जैसे नमस्ते हरिश्चंद्र बहिष्कार, बही विसर्ग धन कार, हरि विसर्ग प्लस धन चंद्र, ठीक है, समझ में आ गया विसर्ग संधि। अब अपनी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के काफी नियम है बट थोड़ा सा पहचानने के लिए अपने पास है कि व्यंजन संधि में होता क्या है, जिसमें क्या होता है स्वर और व्यंजन मिलकर व्यंजन में आते हैं, या व्यंजन या स्वर का संधि होती है, या फिर व्यंजन और व्यंजन की संधि होती है। विसर्ग में किसकी संधि हो रही थी, विसर्ग और स्वर की संधि, या विसर्ग और व्यंजन की संधि, इसमें किसी की भी संधि हो सकती है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि। नेक्स्ट व्यंजन संधि में हमने देखा किसकी की संधि। अब इसमें एक एक छोटा सा नियम है जिसके थ्रू अपन 70-80% व्यंजन संधि के उदाहरण को देख सकते हैं, जिसमें आधा व्यंजन आ जाए। अब अपन ने देखा था कि आधा तो यण संधि में भी था, पर यण संधि में अगर यह वगैरह से पहले आधा आ गया तो वो तो यण ही होगी, बट अगर व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे कि उत्साह में, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, उत्साह में आधा तय आ गया, किससे पहले आ रहा है, से पहले आ रहा है, तो यह वगैरह से मेल नहीं खा रहा, तो मतलब क्या होगी इसमें व्यंजन संधि होगी। दिग्गज में क्या आ रहा है, गया आ रहा है, आधा गया आ रहा है, कहां इनकी संधि कहां पे हो रही है, यहीं पे हो रही है, इसका तो उद प्लस सा, इसका तन में तम में, इसका तल्लीन, तल्लीन में भी यहीं पे संधि हो रही है, तो मतलब अगर यह वगैरह के अलावा आधा शब्द आ जाए, यह वगैरह के अलावा आधा शब्द आ जाए, यानी कि व्यंजन आना चाहिए सिर्फ, आधा व्यंजन आ जाए तो उसमें क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। मोस्टली इस पे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना, अगर मैं आपको ये संधि की ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मैं समास की भी ट्रिक बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको समास की ट्रिक बताऊंगा। ये संधि हमारे